हम क्यों करेंगे, वो पवन है ना। अरे नहीं करता हूँ, और टाइम का बहुत मतलब मॉनिटर है, वो खुद करेगा। अरे नंदन खा रहे क्या? अरे आ गया तू? मैं आ गया। आ ये काम कर ले, मैडम बहुत डांटेगी। एक बार एक काम करके जल्दी मुझे कॉपी दे दे यार, जल्दी दे दे। हाय सोनाक्षी। हाय, क्या हाल है? कैसा है? वहां से वो चेयर लेके आओ, वहां पे लगा। तूने मेरी कॉपी फाड़ दी? अरे घर में वो होने छोटा भाई की फाड़ रहा था। क्यों छोटा भाई के पास दे रहा था तूने अपना मेरा? उसे बोलता मैंने बैग में डाल दी फाड़। मैंने दोस्त को क्यों कह रही? तुझे बोल, उसको बोलो उसने मेरी कॉपी फाड़ रखी, ठीक है ना? बकवास मत कर। अरे कहां फाड़ रखी थी काफी कॉपी? देख मेरी कॉपी फाड़ रखी उसने। तो मेरे दोस्त से बोल लड़ा। अरे कहां फाड़ रखी? चल मेरी कॉपी लेके आ, तूने फाड़ रखी। अनुशासन बनाए रखो, फिर भी तुम लड़े जा रहे हो। बैठ जाओ सबके साथ। राहुल, नंदन, यस मैम। हाँ तो कल तो इतवार की छुट्टी हो गई और परसों सोमवार को उसका रिजल्ट आने वाला है, तो सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और काम करके पूरा लहाओ भाई को, ठीक है? और सोनाक्षी बेटा आप ये कॉपियाँ कलेक्ट करके मेरे ऑफिस में रख देना। यस मैम। और आप सब लोग ये चेयर वगैरह अंदर रख देना। थैंक यू क्लास। इधर देख मेरा हाथ का खाना छूट गया। अच्छा हुआ और बोल, इसको पकड़ कर वहां से निकाल दी। आजकल
दूध में थोड़ी म्या 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 आयो आयो सुनो आप सीखिए जी जी में ये दिन तो अपन पता नहीं को आ जाए चलो यार मैं ये तो गरीब सर दूंगी आज दादी दादी ए तो दादी आपको आना है जी को ये दिन तो फरमा है ज्यादा गरीब क्या ये नंबर यहां पर अरे दादी आज अपने आप के सर ने क्या के है मैं ना तेरी फोन पर रखी हूं बेबे हमें खाओ 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 ये दिन तो फरमा मामा को अच्छी तुम अरे कुछ नहीं होता पहले आप खाओ यार मुझे तुम में शाम कर कौन अरे ये हो जाए तुम आ चलो आओ पहले बीटी हो रही है हेलो ए हे बड़े ताकत अच्छा बेटी चल मैं अब आके वो पास है सर मन की धार नहीं है वहां से लेके आए ना मामा के घर तुम गई जाकर ना बेटी वाली क्यों जाऊं बिल्कुल
काम कोम करे दिया हूँ ठीक करे ली बेच चलो रात में चल भाई चल ठीक चल अजय मित्र भाई जैसे आज भी तू बिल्कुल हाँ भाई चल चल अम्मी तो कोई ना भेज पता नहीं भेजे क्यों के ना भेजे क्यों के ना जवाब से मेरी भेजे वे वो ना अरे सौगरो अगर हमें वनी पढ़ाना तो हमें तो वनी भेजना पड़ेगा ना तपन और तो बे मंगा है स्कूल से जाओ हम वो पढ़ो ना या पे ना जोन या के ना जोन से बे तुम ये बात मान भगवान को भी बुरा जी समझो हमें या के ना जोन से आप लोग घर में क्या नहीं हम हैं या के ना जोन हम यो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े सकते हैं पढ़े तो सकते ना लेकिन वो स्कूल में जात पढ़े पढ़े हमें और क्या पढ़े वो गांव में आ जाओ अपन बात मुने वो आ जा के ये तारे मुंह खेल है क्या उनको हैं बता के ना सुना सी है तू ये बात कोणा जी तो गुणा की तू वो भजे डो गए से मैं तो पुणे पत्ता नहीं भजे तो आप नहीं भेज रहे हो ना सुना से मैं मन में तो पत्ता नहीं चल मुझे कहीं नहीं जाए ना मुझे जाना है बाकी सब के बच्चे जाते मैं भी जा रही हूं तू ही आ जा आप उनको एक काम नहीं आते हैं यानी कि अब आन कपड़ा नहीं धोनी यो तो मैं नहीं धोया कपड़ा और से धो ले वहां तो वो आ जा किसी मोड़ पर वो ना मैं भी सीख लूंगी ना बे मैं मन तो नहीं यो के ना तो मैं तो नहीं समझ पत्ता नहीं भजे तो करी तो समझ सोनाक्षी फिर तो मुंह बजाने लगती दादी मुंह तो मतलब दादी थोड़ी सी ऐसी करती है तू तभी तो सारे गांव वाले बोल रहे हैं कि इसको मत भिजवा तेरी हरकतें देख के सारे बच्चे भी रहते हैं मम्मी दादी को भिजवाओ मैं जाऊंगी तो जाऊंगी तू बस मुंह बजा अब तू नहीं जाएगी मैंने भी सोच लिया नहीं जाएगी ना मैं जाऊंगी नहीं जाएगी मैं जाऊंगी सोनाक्षी सोनाक्षी मैं अरे बेटा हो बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुमने और सोनाक्षी बेटा कल की कल तो तुम्हें जाना भी होगा तो हो गई तुम्हारी तैयारी नो मैम क्यों ये नहीं भेज रहे मुझे अरे क्यों मैडम जी मैं यहाँ पे ना दौड़ा हूँ बती दूर बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी गैर से हटी या मुझे हाँ मैं ना दौड़ बती भी जैसा जीत रहे हैं अभी वो नहीं आप वहाँ यानी कि कुछ काम नहीं आते मुंह धोनी भी दो सने मोड़ पान के तो दादी जी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं वहाँ केवल सोनाक्षी अकेली नहीं रहने वाली है वहाँ और जिलों से भी आते हैं बच्चे ओ तब भी तुझ सब पे ना काम ये जुड़े हम असा बात क्या मत गोजा के बिगड़ जल में ना तो हम तो यहाँ मुझे भी तो चाह पे ना तोड़े थोड़ा बोलो दे तबे ना तो आठ है नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों का बिगड़ने का होता है तो घर पे भी बिगड़ सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बाहर ही जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे और रही बात सोनाक्षी की तो उसके भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना कल के दिन पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे लगेगी आपका नाम रोशन होगा खुद के पैरों पे खड़ी हो पाएगी वो मैडम जी मुनिया तो तुम पक्की बात सुनो वो पनीचा तो कहा कि मैं ना दिवान की बड़ी बगे बड़ा अफसर बने टीचर बने हैं तो यो सरकारी स्कूल दे हम अब हम गुरुजी जो सरकारी बने के आया वन मुल के वो फोड़े सब ये ने के देता आया था तो यो भी पढ़े रहे दादी बाहर का माहौल बाहर का ही होता है अगर उसको कुछ बनना है तो बाहर तो भेजना ही पड़ेगा आपको मैडम जी मैं आमन तो नहीं सर वो आदम यहाँ पे ना तो मैं यो यो के ना तो सर अति आम हम खुद लाने वाले मेरे लिए क्या अरे सासु जी मैडम सही तो कह रही है हमको अपनी बच्ची को पढ़ाना है तो भेजना तो पड़ेगा ना ना बुरी तो आप काम होने तुम तो इज्जत दिया कर मैं तो बिल्कुल माना चल मैं तो ध्याचो ने नहीं आवे ना तो अब आके तुम भी पूछने आ तो मैं तो पुणी के नाम भी नहीं बैठो आ तुम अब आम होने जय कर कर मैं ना पूछ क्या गो मत के पे पूछे नहीं ये घर में है यानी कि तुम अब आम होने जय कर देखो मैडम माँ फिर से नाराज हो गई क्या करूँ मैं भाई साहब उनकी तो अब उम्र हो गई है और रही सोनाक्षी के भविष्य की बात तो उसके बारे में तो आपको सोचना ही पड़ेगा वो तो बात ठीक है मैडम लेकिन परिवार की गार्जियन जो है ना माँ ही है माँ जो बोलेगी वही मैं करूँगा माँ के आगे थोड़ी हो सकता हूँ मैडम मैं हाँ आप कह तो सही रहे हैं परिवार में सबकी राय लेनी बहुत जरूरी है मुझे लगता है आपको अपनी माता जी से एक बार फिर बात करनी चाहिए वो मान जाएगी देखो मैडम एक बार कोशिश जरूर करेंगे मान जाएगी तो भेज देंगे मैडम हाँ मैडम जी हम जरूर बात करेंगे ठीक है मैडम खाना खा के जाइए मैडम थोड़ा खाना नहीं नहीं आज नहीं शाम से मेरी
एक दादी की थी। मैं एम ए द्वितीय सेम इंग्लिश काउंसिल की छात्रा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। इसमें जो मेरी भूमिका थी, मैं स्कूल की स्टूडेंट और गांव की गाय हाँकने